वहाँ से ना एक मैग्लो ट्रेन चलती है जो हवा में चलती है, मतलब उसके ना टायर नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से चलती है, फॉर एग्जांपल ऐसे हवा में रहेगी। और ये देखो भाई साहब एयरपोर्ट का स्टाफ कैसा छोटा छोटा सा, इनका हमारे वाले तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाँ एंट्री पे पासपोर्ट चेक नहीं किया ना, आइडेंटिटी चेक की, सीधा अंदर घुसा दिया, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो चेक इन बैग ना हमने जो चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर रखी है तो चेक इन बैग में 7 किलो ही वैलिड होता है, तो मेरे को लगा कभी ये तोल ना ले, क्योंकि मेरा 12 किलो का था और सलोनी का 9 किलो का था। और गाइस रास्ते में ना अभी हम आए थे और खाना खाने के लिए हो गए थे, तो हमने यहाँ पे फ्राइड राइस मांगे थे सिर्फ, और भाई इन्होंने हमारे को फ्राइड राइस भी दे दिए और कॉम्प्लीमेंट्री 2 बाउल सूप के दे दिए और 2 ये दे दिए। बहुत मस्त मस्त थी, क्यूट सी आंटी। और ये भैया भी बहुत बढ़िया सूप बना के लेके आया, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा ये वाला, मतलब ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा था पूरे चाइना में ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे को कुछ मिला हो। हेलो गाइस, तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में, और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट शंघाई के एयरपोर्ट, और वहाँ पे एक स्टेशन है लोंगयांग करके, वहाँ से ना एक मैग्लो ट्रेन चलती है जो हवा में चलती है, मतलब उसके ना टायर नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड से चलती है, फॉर एग्जांपल ऐसे हवा में रहेगी, वो टच नहीं होगी नीचे, और ये काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस होगा। और ये दुनिया की सबसे पहली ट्रेन है जो इस काइंड की है, तो अभी मैंने ना ट्रिप ले ली है यानी टिकट ले लिया है वहाँ तक जाने के लिए, तो मैग्लो ट्रेन की नहीं, वहाँ स्टेशन तक जाने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शंघाई में हो और अगर आपको वो वाली ट्रेन चाहिए तो आप किस स्टेशन पे जाओगे, सबसे पहले तो आप इस पे कर लेना, लाइन नंबर 2 पे है वो, ग्रीन लाइन पे, और 18 नंबर पे ट्रांसफ़र करती है मैग्लो ट्रेन। ओके, तो ये वाला स्टेशन ले लेना मैंगलोर का, और 6 की है इसकी जो मेरा स्टेशन, आपके स्टेशन से डिफरेंट रहेगी, बाकी 6 युआन की लगेगी, और यहाँ पर आप पैसे डाल के इसको ले सकते हो, और ऐसा कार्ड आपके पास आ जाएगा, और कार्ड आने के बाद आप इजीली जा सकते हो। बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे जा सकते हैं, अभी एक बार चेक इन कर लेता हूँ और मेट्रो में बैठ के पहुँचते हैं, फिर दिखाती हूँ दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और हवा में चलने वाली ट्रेन, जिसको बोलते हैं चाइना के अंदर मैग्लो ट्रेन। तो गाइस अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन लेनी है ना और आप शंघाई में हो, तो किसी भी स्टेशन से आप इस स्टेशन पर आ जाना लोंगयांग रोड पर, और यहाँ से लाइन नंबर 18 जाती है, और 18 नंबर लाइन पे मिलेगी आपको हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, जो हवा में चलती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चलती है। और गाइज अभी एक पॉपअप हो गया, मैग्लेव ट्रेन है ना जो, वो सिर्फ और सिर्फ रात के 9:42 पे तक चलती है लास्ट, उसके बाद वो बंद हो जाती है, और हम आए 10 बजे, हमारे को ये आइडिया नहीं था, मेरे को ये था कि 10:40 तक तो चलती ही होगी, पर क्लोज होगी गाइज। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे दोबारा से लाइन नंबर 2 पे, और नॉर्मल मेट्रो से ही जाना पड़ेगा, और उससे हमारे को लगेगा अभी लगभग 35-40 मिनट और। तो आपको अगर दोबारा कभी मैग्लेव ट्रेन लेनी हो ना, तो आप 9 बजे से पहले आ जाना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी मेरा तो रह गया चाइना में, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो फॉर श्योर मैग्लेव ट्रेन ट्राई करूँगा। तो अभी चलो चलते हैं एयरपोर्ट पर। और गाइस हम थोड़े लेट हैं ना, तो पोपट हो रहा है, मतलब हम उस ट्रेन में बैठ रहे और उसका आखिरी टर्मिनल था, और पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ना यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन जाती है दूसरी, जॉब स्टेयर लेके दोबारा से डाउन आना था दूसरी लाइन पे। अभी आ तो गए हैं और ये फाइनल ट्रेन है, मतलब लास्ट ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आएगी। और गाइज हम फाइनली पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पर, और यहाँ से हम फ्लाई करेंगे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, और अभी हमारे को सिक्योरिटी चेक करना है, उसके बाद निकलेंगे हम नेक्स्ट उसके लिए। ओके, मेरा ने चेक करा, इसने डंडी लगाई थी, अब हमारे को यहाँ डालना है सामान सारा का सारा सिक्योरिटी चेक पे। और गाइस सिक्योरिटी चेक हो गया, बहुत ही इजी सा प्रोसेस था, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। और ये देखो भाई साहब एयरपोर्ट का स्टाफ कैसा छोटा छोटा सा, इनका हमारे वाले तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी सही है। बाकी एयरपोर्ट पे आ गए, हमारी फ्लाइट है टर्मिनल टू पे तो पहुँच गए, अब हमारे को गेट नंबर ढूंढना है ताकि हम अपनी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास इशू करवा सकें, और आई थिंक वहाँ से अभी हमारी और एंट्री होनी है, ये तो सिर्फ एयरपोर्ट पर एंट्री हुई थी, देखते हैं। बाकी अंदर चल के हमारे को पीच एविएशन का काउंटर ढूंढना है, पीच एविएशन से हमारी फ़्लाइट है। और गाइस हमारे को मिल गई है, हमारी फ़्लाइट है MM080E काउंटर पे आएगी, इधर है B कौन सी साइड में बढ़ रहे हैं, DE वो रहा, ई वाला वो रहा, वहाँ पे जाना अपने को, वहाँ पे वेट करते हैं। और गाइस ये देख लो चाइना का शंघाई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, देखने में काफ़ी सही लग रहा है, देखना भाई साहब काफ़ी खुला सा बना रखा ना पूरा, और ये अंदर आने के बाद है भीड़ नहीं है, बाकी क्या बात है भीड़ होनी चाहिए। मैंने तो एज्यूम करा था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा ना हद ही भीड़ मिलेगी, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, खाली ही पड़ा है सारा। और एक और बात है, इन्होंने पासपोर्ट चेक नहीं किया एंट्री पे। हाँ एंट्री पे पासपोर्ट चेक नहीं किया ना, आइडेंटिटी चेक की, सीधा अंदर घुसा दिया, पता नहीं क्या सिस्टम है, सीधे बोर्डिंग पास पे नहीं तो अपने दिल्ली वाले पे या फिर सभी एयरपोर्ट्स पे ना
एंट्री के टाइम पे पासपोर्ट तो जरूर चेक करते हैं। इन्होंने तो बस बस्ते चेक करे हमारे, बस्ते भी नाम नाम के चेक करे और सिंधा अंदर घुसा दिया। अब ये देखते हैं कि अंदर लाइक पासपोर्ट वो क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग पास मिलने के बाद अंदर जो हमारा सामान है दोबारा से स्कैन करेंगे यानी, या फिर सीधा मतलब एंट्री दे देंगे लाइक इमिग्रेशन क्लियर करवा देंगे। देखते हैं क्या सीन रहेगा। बाकी देखने में काफ़ी सही लग रहा है, एक्सपीरियंस ही लगा रखी काफ़ी बड़ी, जो कि भाई साहब मस्त लग रही है देखने में, तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इस पर इन्होंने शंघाई के व्यूज़ वगैरह से डाल रखे हैं। और ये देखो बंदे कैसे मशीनों के पास सोए हुए हैं, क्या सीन है ये। आई थिंक वेट करने का एरिया तो खूब है, पता नहीं फिर भी ऐसे क्यों लेटे हुए थे। और भाई इस साइड तो और भी हूज है, ये खाने पीने की चीज़ें लगा रखी हैं और बहुत सारी फ्लाइट्स के बोर्ड लगा रखे हैं, और ऊपर ना एक ड्रैगन टाइप सा भी लगा रखा है इसके ऊपर। ये देखना, ये अच्छे से दिख रहा है इधर से शायद कैमरा में, थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। और इन्होंने चाइना का फ्लैग लगा रखा है, पर ऐसे लग रहा है जैसे टेंट लगा रखा है ऊपर, ऐसी सी कुछ फीलिंग आ रही है। और इस काउंटर के ऊपर देखो भाई ड्रैगन मुंडी मुंडी लगा रखी है। और ये इनका पैसेंजर हेल्प डेस्क। बाकी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे हमें पैसेंजर हेल्प डेस्क की ज़रूरत है नहीं। बाकी यार गाइस अपने साथ ना एक पोपट हो गया। पोपट में क्या हुआ कि वो जो मैगलोर ट्रेन थी ना यार, वो बंद हो गई 9:40 तक शायद उसकी लास्ट ट्रेन ऑपरेट कर दिया, उसके बाद वो नहीं चलती। थोड़ा सा दुख हो रहा है मेरे को, एक्सपीरियंस रह गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको एक्सपीरियंस को भी। बाकी चलो इस जर्नी में आपको साथ लेके चलते हैं और दिखाता हूँ। बाकी कुछ लोगों ने तो आइडिया लगा ही दिया होगा मैं किस कंट्री जा रहा हूँ, अगर आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे पिछले, तो अगर आपको आइडिया है कि मैं किस कंट्री जा रहा हूँ, आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं। और गाइज ये देखो कैसी स्क्रीन लगा रखी है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैनुअली बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, ऐसे खाने से बना के लगा रखे हैं, और नॉर्मल स्क्रीन नहीं है ये। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा पार्ट है इसका। और इधर इनका सर्विस सेंटर देख लो, मतलब काफ़ी सही है, मतलब बंदे बैठे हैं और खुला खुला सा बना रखा है, इधर बैठने वालों को भी मज़ा ही आता होगा। और इसके ऊपर दुबई की फ़्लाइट भी चलती है इधर से डायरेक्ट, दुबई की फ़्लाइट भी चलती है काकू इधर से, काफ़ी सही लगा मेरे को ये तो, है ना। आजा तो वही है कि यहाँ पे मतलब अगर आप आते हो ना तो ऑलमोस्ट सारी की सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं शायद यहाँ से। और शंघाई एयरपोर्ट की स्क्रीन जो है ना सामने वाली, ये मेरे को सबसे काफ़ी सही लगी मतलब। और भाई यहाँ पे भी कैमरे वगैरह ना खूब मस्त लगा रखे हैं इन्होंने वैसे। और इस साइड में भाई साहब बहुत सारे काउंटर लगा रखे हैं, और यहाँ पे ना इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड है जिसको देखो इसके ऊपर घूमता रहता है। और अब हम आ गए ई पे, ई पे एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इधर शंघाई एयरपोर्ट टिकट ऑफिस वगैरह लिख रखा है, इधर हमारी अगर पीच एयरलाइन का भी अगर ऑफिस मिल जाए तो उनसे हम बात करके पूछ सकते हैं कि भाई कैसे कुछ क्या सीन है इसका। और गाइस पीच एयरलाइन का हमारे को मिल तो गया, पर कहाँ की अभी लगी हुई है वो नहीं पता, एक बार जाके देख लेते हैं और बुक करवा लेते हैं, अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं। तो गाइस अभी हमारा ना सिक्योरिटी चेक हो गया और इमिग्रेशन हो गया है। एक्चुअली ये ना जो चेक इन बैग ना, हमने जो चीपेस्ट फ्लाइट बुक कर रखी है तो चेक इन बैग में 7 किलो ही वैलिड होता है, तो मेरे को लगा कभी ये तोल ना ले, क्योंकि मेरा 12 किलो का था और सलोनी का 9 किलो का था, तो हमारे को ये टेंशन थी। बाकी कुछ पूछा नहीं, बस हो गया और कोई वेट नहीं किया हमारे बैगों का। और उसके बाद फिर इमिग्रेशन पे आए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, कहाँ जाओगे कहाँ नहीं, पासपोर्ट के पेपर ने चेक करता रहा बदल बदल के, और 2-3 मिनट के बाद फिर स्टैंप लगा के दे दी। एंट्री के टाइम पे भी कुछ नहीं पूछा था और एग्जिट के टाइम पे भी कुछ नहीं पूछा। बाकी इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था और चाइना की सीरीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को, और मैं इन फ्यूचर भी पक्का आना पसंद करूँगा चाइना, क्योंकि बहुत खूबसूरत सिटी कंट्री है वैसे तो। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्री में, नेक्स्ट कंट्री के वो लोग आपको रिवील जो होंगे वो अगले वीडियो से होंगे। और अभी चाइना से निकलेंगे हम लगभग 6:15 पे, 6:15 के बाद हम अप्रोक्स 9:30 के आसपास पहुंच जाएंगे नेक्स्ट कंट्री में। बाकी वहां का इमिग्रेशन बताता हूं और फिर बताता हूं कि हम कौन सी कंट्री में पहुंचे हैं और वहां के इमिग्रेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और अगर आप आते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ आने के लिए, और क्या सवाल जवाब आपसे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और गाइज ये ना हमारी पहली फ्लाइट है जैपनीज एयरलाइन की जिसमें हम बैठ रहे हैं, इसका नाम है पीच एयरलाइन, और ये लो कॉस्ट कैरियर है, मतलब लो कॉस्ट कैरियर मतलब ये सस्ती फ्लाइट है जापान की जिसमें हम बैठे हुए हैं। और ये हमने काफ़ी टाइम पहले बुक करी थी तो काफ़ी सस्ती पड़ गई थी हमारे को, 4 घंटे के वेट